बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मेज़बान शाजिया कमर, कुकिंग विद शाजिया में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम चिकन वाइट कढ़ाई की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जो बहुत ही मज़े की और झटपट तैयार हो जाती है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन वाइट कढ़ाई बनाने के लिए हमने सबसे पहले चूल्हे पर कढ़ाई रख दी है, और इसमें कढ़ाई में हम 150 ग्राम ऑयल डालकर इसको गर्म होने के लिए रख देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, इसके साथ ही हमने यहाँ पर 1 किलो चिकन लिया है। चिकन को हमने अच्छे से धो लिया था और इसको हम ऑयल में डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चिकन को हमने लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। आप देख सकते हैं कि चिकन अच्छे से लाइट ब्राउन हो चुका है, इसके साथ ही हम इसमें दो चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, और इसके साथ ही 2 अदद हमने हरी मिर्चें लेकर पीस ली हैं, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच नमक की शामिल करेंगे। हसबे जायका आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों के पेस्ट के साथ अच्छे से ऑयल में इसको चिकन को फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद हम इसको ढककर 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। चिकन को हमने 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख दिए हैं। इसके बाद हमने इसमें दही शामिल करनी है, तो दही हमने यहाँ पर 1 कप ली है। इसको अच्छे से हमने फेंट लिया है, और इसमें हम 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, और इसके साथ ही 1 चम्मच धनिया पाउडर शामिल कर देंगे, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको चिकन में डालकर पकाएंगे। चिकन को 5 मिनट हो गए हैं पकते हुए। इसके बाद हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे, जो हमने पहले मिक्स करके रख ली थी। तमाम दही इसमें चिकन में शामिल कर देंगे, और इसको चम्मच की मदद से हिलाएंगे अच्छे से, और इसको 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि दही ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है, और अब हम इसको 8 से 10 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे, ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए और चिकन भी हमारा अच्छे से गल जाए। इसको पकते हुए 8 मिनट हो चुके हैं। इसके साथ ही हम इसमें 3 चम्मच क्रीम के शामिल कर देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन अच्छा से गल चुका है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने 2 अदद लेमन लेकर इसका रस निकाल लिया है, ये इसमें हम शामिल कर देंगे। और अच्छे से हम इसको 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। लास्ट में हमने इसमें कटी हुई अदरक डालनी है, और 3 अदद हरी मिर्चें कट लगाकर इसमें डाल देंगे, और इसको गरम मसाला आधी चम्मच गरम मसाला शामिल कर ढककर 2 मिनट के लिए और पकने के लिए रख देंगे। 2 मिनट पकने के बाद हमने चूल्हा बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं कि चिकन वाइट कढ़ाई बिल्कुल तैयार है, और मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया है। तो अब आपको हम डिश आउट करके दिखाते हैं। चिकन वाइट कढ़ाई हमने डिश आउट कर दी है। आप देख सकते हैं, ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही लजीज तैयार हुआ है। आप इसको घर पर बनाएं, ये झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ, ताकि मेरी आने वाली मज़ीद नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।